किसी भी मार्केट में क्या चल रहा है, क्या आने वाले टाइम में चलने वाला है, कैसा वो परफॉर्म करेगी, उससे हमारे जीवन पर क्या फायदा क्या नुकसान हो सकता है, अगर आपको वो सब जानना है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है डेटा क्या कह रहा है। और कार मार्केट में डेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। डेटा ने हमें बताया 2023 में कार मार्केट जितनी स्ट्रॉन्ग थी, जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग वहां पर परचेजिंग आ रही थी, जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिमांड आ रही थी, उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग 2024 में नहीं रही है। जब हमने डेटा देखा, एनालाइज किया, कंपनीज ने भी देखा, उसके बाद डिस्काउंट इस बार बहुत ज्यादा बड़े बड़े आ गए। हालांकि कंपनीज को काफी ज्यादा उम्मीद थी कि पूरे के पूरे जो फेस्टिवल्स हैं वो एक ही महीने में, अक्टूबर महीने में आ रहे हैं, तो वहां पर हमारी सेल्स बहुत ज्यादा हो जाएगी और उसका इफेक्ट आने वाले टाइम में, मतलब नवंबर दिसंबर में भी दिखेगा और नेक्स्ट ईयर भी 25 में भी हमें दिखेगा। तो वो डेटा, थोड़ा बहुत डेटा जो है वो निकल कर आ चुका है। जो बड़े प्लेयर्स हैं उनका डेटा आ गया है अक्टूबर में, दीपावली वाले महीने में इन्होंने कैसा परफॉर्म किया है, उससे पता लग जाएगा क्या स्ट्रॉन्ग डिमांड बनकर आई आने वाले टाइम में, क्या रह सकता है और आने वाले जो कार बायर्स हैं उनके लिए क्या फायदा क्या नुकसान हो सकता है। आज हम उसी डेटा की बात कर रहे हैं। हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। सबसे पहले मारुति सुजुकी की ही बात कर लेते हैं। इस बार मारुति सुजुकी ने काफी अच्छे नंबर्स में गाड़ी बेची हैं अगर ओवरऑल बात की जाए, लेकिन डोमेस्टिक सेल्स की बात करें तो 2023 के मुकाबले इनकी सेल्स कम ही रही हैं। मतलब इसी महीने में, अक्टूबर महीने में 23 में जो सेल्स थी उससे डाउन रही है। हालांकि अक्टूबर में, मतलब जो अभी महीना गया है दीपावली वाला, उससे पहले सितंबर के मुकाबले इनकी सेल्स जरूर बढ़ी हैं। जो कंपनीज ने सोचा था कि हमारी सेल्स बढ़ जाएंगी उसके मुताबिक सेल्स जरूर बढ़ी हैं, लेकिन वो इतनी ज्यादा ड्रास्टिकली नहीं बढ़ी हैं, एटलीस्ट जो हम डाटा देख रहे हैं। लेकिन जब इनकी रिटेल सेल्स देखते हैं, मतलब मारुति ने एक्चुअल में कितनी गाड़ियां बेची हैं, एक डेटा होता है कंपनी की तरफ से, प्लांट की तरफ से शोरूम को कितनी गाड़ियां बेची गई, एक डेटा होता है शोरूम से गाड़ियां बिकी कितनी है, वो डेटा काफी अच्छा है, लगभग 2 लाख को टच कर रहा है। तो मारुति की गाड़ियां बिकी काफी अच्छी हैं, लेकिन वो इतने ज्यादा नंबर्स में नहीं बिक पाई हैं कि अभी नवंबर दिसंबर जनवरी में जो स्टॉक रह गया है वो क्लियर हो जाए, उस पर डिस्काउंट कम देना पड़े, वहां पर डिस्काउंट आपको काफी ज्यादा मिल सकता है। तो मारुति की सेल्स रही अच्छी है, लेकिन जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था मेरे हिसाब से वो चीज मीट नहीं कर पाए हैं। फिर बात करें दूसरे बड़े प्लेयर की, वो है हुंडई। अब हुंडई की जो सेल्स हैं वो भी बढ़ी हैं, वो 2023 के मुकाबले बढ़ी हैं और जो लास्ट मंथ गया था उसके मुकाबले बढ़ी हैं, लेकिन वो बिल्कुल मार्जिनली हैं, कोई ज्यादा परसेंटेज हम उसमें नहीं देख रहे हैं। हालांकि रिटेल सेल्स जो हैं वो उनकी भी काफी अच्छी रही हैं और वहां पर कंपनी ने ग्रोथ सही दिखाई है। अब इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं होने का रीजन क्या है, 2023 के मुकाबले ग्रोथ दिखाई है थोड़ी सी, वो बढ़िया बात है क्योंकि मारुति की सेल्स डाउन थी, लेकिन उससे पहले महीने, मतलब सितंबर या अगस्त आप कह सकते हैं, अगस्त के मुकाबले, सितंबर के मुकाबले अक्टूबर में इनकी सेल्स इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी है। उसके पीछे रीजन ये है, इनका जो स्टार प्रोडक्ट है ना वो एक ही है, वो है क्रेटा। क्रेटा हालांकि लगभग 17-18 हजार यूनिट्स के आसपास बिक गई है, मतलब 50-55 हजार यूनिट्स बिकी हैं, उसमें से एक ही गाड़ी है जो 17-18 हजार बिक गई है, बाकी गाड़ियां इतनी बढ़िया नहीं कर पा रही है। इनके पास i20 है, ग्रैंड i10 है, ओरा है, फिर इनके पास SUV में एक्स्ट्रा टाइप गाड़ी आ जाती है, वेन्यू आ जाती है, काफी बड़ा पोर्टफोलियो है इनका, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिमांड नहीं बना पा रहे हैं। तो हुंडई पे भी आपको आने वाले टाइम में बढ़िया डिस्काउंट मिल सकता है। अगर आप क्रेटा को छोड़कर कोई भी गाड़ी ले रहे हैं ना, वहां पर आपको डिस्काउंट काफी बढ़िया मिल सकते हैं। अगर ये गाड़ी लेने की सोच रहे हैं तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनकर जाइएगा, बढ़िया आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। फिर बात करते हैं हम महिंद्रा की। हालांकि टाटा को हटाकर महिंद्रा नंबर 3 पर आ गई है और उसी वजह से इसकी जो सेल्स है ना वो काफी स्ट्रॉन्ग रही है। 2023 के मुकाबले बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन्होंने अक्टूबर के महीने में। हालांकि सितंबर 24 के मुकाबले सेल्स तो बढ़ी है, लेकिन उनको इतनी सिग्निफिकेंट नहीं कह सकते हैं। उसका रीजन एक और है, सितंबर में भी महिंद्रा ने बहुत बढ़िया सेल्स की थी, वहां पर भी इनकी सेल काफी बड़ी उछाल में रही थी। उसका मेन रीजन क्या है, इनके पोर्टफोलियो में SUV गाड़ियां ही हमें दिख रही है, तो थ्रू आउट जो इनकी डिमांड है ना वो हमेशा ही बनी रहती है। उसमें ऐसा नहीं है कि दिवाली के टाइम पर ही ज्यादा सेल निकल कर आएगी, महिंद्रा की गाड़ियों को आज के टाइम पर बहुत ही ज्यादा पसंद किया जा रहा है। महिंद्रा की गाड़ियों पर ना आपको शायद इतना ज्यादा डिस्काउंट ना मिले क्योंकि डिमांड बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसे ही थार रॉक्स की बुकिंग खुली थी, लगभग 1.5 लाख से ज्यादा गाड़ियां पहले 1 घंटे में 60 मिनट में बुक हो गई थी, डिलीवरी भी इन्होंने शुरू कर दी है, लेकिन वहां पर काफी कुछ चलता रहता है। महिंद्रा के पास डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई इतनी ज्यादा इनके पास नहीं है,
तो महिंद्रा की ज्यादा गाड़ियों पर आप डिस्काउंट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। इनकी स्ट्रॉन्ग जो डिमांड है ना वो बनी रहेगी, नवंबर दिसंबर में बनी रहेगी, 2025 में भी इनकी बढ़िया डिमांड बनी रहेगी। फिर हमारे पास आ जाती है टाटा। टाटा की जो परफॉर्मेंस है ना इतनी स्ट्रॉन्ग हमें कुछ टाइम से दिख नहीं पा रही है, एक स्टेबल परफॉर्मेंस दिख रही है। 2023 अक्टूबर के मुकाबले मार्जिनली इनकी सेल कम हुई है और सितंबर 24 के मुकाबले इनकी सेल काफी अच्छी अप गई है। टाटा ने अपने घोड़े कसने ही पड़ेंगे, टाटा इतनी बढ़िया नहीं कर पा रही है। जो सोचा था ना कि टाटा ग्रोथ बहुत बढ़िया लेकर जाएगी, अभी एक स्टेबल आ गए हैं, कहीं पर डिप दिखता है, कहीं पर थोड़े से स्टेबल दिखते हैं। नेक्सॉन इतना बढ़िया प्रोडक्ट इनका चला था, उसकी भी वैल्यू थोड़ी सी हमें कम दिख रही है मार्केट में, उस नंबर्स में ये गाड़ी नहीं बिक पा रही है। पंच थोड़ा सा बढ़िया कर रही है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो टाटा के लिए इतना बढ़िया हम नहीं कह सकते हैं। महिंद्रा ने जैसी छलांग लगाई है ना टाटा के लिए, कभी ये बोला जाता था कि टाटा वो छलांग लगाएगी, हुंडई को नंबर दो से हटाएगी, हो सकता है कल को मारुति को भी टक्कर दे दे, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ भी होता हुआ नहीं दिख रहा है। कुछ ना कुछ टाटा को सोचना पड़ेगा, सिर्फ सेफ्टी 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 से काम नहीं चलता है, बाकी कंपनीज भी सेफ्टी लेकर आ गई हैं और उस चीज का इफेक्ट टाटा पर पड़ रहा है। तब क्या रहता था, सेफ गाड़ी लेनी है टाटा ले लो, अब सेफ गाड़ी लेनी है आप महिंद्रा भी ले सकते हैं, मारुति के पास भी कुछ ना कुछ गाड़ियां हैं, बाकी कंपनीज भी अपनी 5-स्टार 4-स्टार रेटिंग गाड़ी लेकर आ गई है, तो उसका इफेक्ट टाटा पर पड़ा। अब टाटा को कुछ और गेम खेलना पड़ेगा, तब जाकर टाटा का बढ़िया काम चल सकता है। फिर बात करते हैं हम टोयोटा की। अब टोयोटा ने लगाई है बढ़िया लंबी छलांग, इन्होंने लास्ट ईयर के मुकाबले बहुत बढ़िया सेल की है, लास्ट मंथ के मुकाबले बहुत बढ़िया सेल की है। धीरे धीरे टोयोटा की गाड़ियां जो है ना वो रफ्तार पकड़ रही है। कभी ये लगता था यार हम मारुति से क्यों ना गाड़ी ले लें, क्योंकि टोयोटा के पास मारुति वाली गाड़ियां ही तो आ गई हैं, कहीं ग्लांजा लेकर आ गए हैं, कहीं टेजर लेकर आ गए हैं। लेकिन अब लोगों को समझ में आ गया है कि अगर हमें मारुति के पास कोई गाड़ी नहीं मिल रही है या वहां पर हमें डिस्काउंट नहीं मिल रहा है तो हम टोयोटा के पास जा सकते हैं, वहां पर हमें सेम गाड़ी मिल रही है, टोयोटा का भरोसा मिल रहा है, ज्यादा हमें डिस्काउंट मिल सकता है, ज्यादा वारंटी भी मिल रही है, उनकी क्वालिटी चेक मिल रहा है, उनकी सर्विस भी हम थोड़ी बेटर कह सकते हैं मारुति के मुकाबले अगर क्वालिटी की बात की जाए, तो टोयोटा लेने में भी कोई दिक्कत नहीं है। और उनके पास जो हाईक्रॉस आ गया ना, एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, फॉर्च्यूनर बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, टेजर वगैरह सब लेने लग गए हैं, तो बहुत बढ़िया एक पोर्टफोलियो अब टोयोटा के पास भी तैयार हो गया है। टोयोटा इस वजह से लंबी छलांग लगाई है और उसी वजह से, उस लंबी छलांग की वजह से जो डिस्काउंट है ना वो छोटे हो सकते हैं। डिमांड बहुत बढ़िया नेक्स्ट ईयर भी रहने वाली है टोयोटा की, वो गाड़ी लेना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया डिमांड आपको मिलेगी, लेकिन डिस्काउंट शायद थोड़े कम मिल जाए। फिर आते हैं हम किया की तरफ। इसने भी बड़ा स्ट्रॉन्ग अपना पॉइंट रखा था जब इंडिया में आई थी, काफी बढ़िया तरीके से ग्रोथ की थी, लेकिन अब ये भी स्टेबल हो गए हैं, वही 2-3 गाड़ियां लेकर कब तक एक कंपनी बहुत ज्यादा ग्रोथ कर सकती है। उसी वजह से लास्ट ईयर के मुकाबले भी, लास्ट मंथ के मुकाबले भी इनकी सेल्स डाउन हुई है, सिर्फ 3 गाड़ियों के भरोसे कब तक कंपनी चलेगी। सोनेट है, सेल्टोस है और फिर इनके पास एक कारेंस आ जाती है, बाकी क्या है, कुछ दिखाने के लिए कुछ नयापन क्यों नहीं लेकर आ रहे हैं। ज्यादा गाड़ियां लेकर आए, अपना पोर्टफोलियो थोड़ा बड़ा करें, बढ़िया गाड़ियां हैं, किया ने बढ़िया काम किया था, नाम भी काफी बढ़िया है, लेकिन अगर टाइम पर नहीं संभले, टाइम पर नई चीजें नहीं लेकर आए तो इनको दिक्कत हो सकती है। हालांकि डिस्काउंट ना इनके पास भी कम है क्योंकि इतनी ज्यादा इनके पास इन्वेंट्री नहीं रख रहे हैं ये, लेकिन फिर भी अगर इनको नाम बनाना है, थोड़ा आगे बढ़ना है, तो उस हिसाब से इनको पोर्टफोलियो में कुछ और गाड़ी लेकर आनी पड़ेगी, थोड़ी कम पैसे की भी लेकर आए, 10 लाख से नीचे लेकर आए काफी बढ़िया रहेगा। और फिर हम बात कर लेते हैं होंडा की। होंडा का पता नहीं क्या फ्यूचर रहेगा, क्या इनकी प्लानिंग है, 2023 के मुकाबले काफी बड़ा डिप रहा है, लास्ट मंथ के मुकाबले भी डिप रहना, मतलब दिवाली वाले महीने में, दिवाली से पहले महीने जिसमें श्राद्ध वगैरह आ जाते हैं, श्राद्ध वाले महीने में इनकी गाड़ियां ज्यादा बिकी हैं, दिवाली वाले महीने में उससे भी कम बिकी हैं, काफी सीरियस बात है। इंडिया में रहना है या नहीं रहना है पता नहीं, होंडा क्या सोच रही है, क्यों सिर्फ अमेज के भरोसे चल रही है, सिटी के भरोसे चल रही है, आज के टाइम पर सेडान को कौन पूछता है। एलिवेट एक लेकर आए थे, वो थोड़े अपर सेगमेंट में चली गई थी, वहां पर गाड़ियां इतनी ज्यादा कहां बिकती हैं, क्रेटा से कौन टक्कर ले पा रहा है, तो उस सेगमेंट में चले गए हैं। कुछ और लेकर आइए यार, 10 लाख से नीचे लेकर आइए, थोड़ा स्ट्रेटजी को अपनी आक्रामक कीजिए, थोड़ा और अग्रेसिव नेचर आपको अपनाना पड़ेगा, 2-4-5 गाड़ियां लेकर आइए फटाफट तरीके से, तब कुछ इंडियन मार्केट में हो सकता है, अदरवाइज हो सकता है आपको भी फोर्ड की तरह इंडिया छोड़कर जाना पड़े। मेरे को हालात तो कुछ ऐसे ही लग रहे हैं क्योंकि कुछ करते हुए दिख नहीं रहे हैं, बाकी देखते हैं होंडा क्या करेगी क्या नहीं करेगी, वो आप भी बताइए कमेंट बॉक्स में
क्या लगता है आपको होंडा के बारे में। बाकी ये डेटा था जो मुझे शेयर करना था आपके साथ। आप देख सकते हैं कौन सी कंपनी थोड़ा सा डिस्काउंट ज्यादा कर सकती है, किसकी डिमांड ज्यादा रहने वाली है, उस टाइप की गाड़ी आप ले सकते हैं। बाकी आप कुछ कहना चाहते हैं कमेंट कर सकते हैं। इस टाइप के वीडियोस के लिए आप लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं, थैंक यू, बाय।